मैं ये चूज़ किया क्योंकि मुझे शाला सिद्धि से पता चला कि अटेंडेंस को ज़्यादा महत्व देना चाहिए तो ही बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने ये चूज़ किया। पहले हम क्लास में रोज़ अटेंडेंस, बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। जब बच्चे कम आने लगे क्लास में तो हमने सोचा कि शाला सिद्धि से हमको पता चला कि हमें अटेंडेंस ट्रैकर बनाना चाहिए। तो हमने हमारे स्कूल में सब क्लास में अटेंडेंस ट्रैकर बनाया, तो जो बच्चा रेगुलर आता है तो उनको हम स्टार्स देते रेड कलर का, और जो बच्चा नहीं आता ही रेगुलर रहता है तो उनको हम कुछ नहीं देते। तो बाद में उसमें क्या होता है, बच्चों को मालूम पड़ता है कोई कौन आता है, कौन कितने दिन नहीं आता, तो उनको मालूम पड़ता है। और जब दूसरों को जो रेगुलर आता है उनको स्टार मिलता है, वो बच्चा देखता है दूसरा इरेगुलर और वो भी आना शुरू करता है। बाद में हम एट मंथ के एट द एंड क्या करते हैं, जो बच्चा नहीं आता है ना तो हम सब टीचर बैठ के मीटिंग लेते हैं और बाद में हम SMC को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये बच्चा जो बच्चा क्लास में रहा तो वो इरेगुलर है। तो हम वो SMC हमको हेल्प करती हैं कि हम सब SMC के एक मेंबर को एक दो टीचर जाके उनके बच्चों के घर जाते हैं, जो बच्चा इरेगुलर है उनके घर जाते हैं, वो क्यों नहीं आता उसका मूल कारण हम छोड़ते हैं क्योंकि वो टीचर से डरता है, क्या कोई क्लास में उसको कुछ चिढ़ाता है मारता है, भाषा का प्रॉब्लम है, वो सब उसका मेन क्या रीज़न है वो हम ढूंढते हैं और उसके पेरेंट्स से भी बातें करते हैं हम टीचर्स और SMC मेंबर, और उनको भी थोड़ा ये करते हैं, उनको भेजने के लिए बोलते हैं। बाद में हम स्कूल क्लास में बहुत डेली एक्टिविटी लेते हैं, उनको खेलने भेजते हैं, तो उसके कारण वो बच्चा ना डेली आता है। बाद में ये सब होने के बाद एट द मंथ के एंड को हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा रेगुलर है, उसमें हमको पता चलता है वो ट्रैकर से कि ज़्यादातर बच्चा रेगुलर होता है। और एट दो महीने हम उनका अटेंडेंस देखते हैं, जो ज़्यादातर बच्चा रेगुलर होता है उनको हम एट द एंड 2 महीने के बाद असेंबली को लेते हैं, उनको आगे बुलाते हैं रेगुलर बच्चों को और उनको अप्रिसिएट करते हैं, ताकि सब बच्चों को बोलते हैं ये बच्चे रेगुलर आते हैं तो इनके लिए तालियाँ बजा वैसा करके। अटेंडेंस ट्रैकर बनाने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि अटेंडेंस में इम्प्रूव होता है, और हमको वो भी मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चे कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और बाद में वो चैलेंजेस टैकल करने को भी हमको इसमें हेल्प होता है।